दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। आज के इस वीडियो में देखिए दुनिया की सबसे खूबसूरत रोबोट। दोस्तों आज विज्ञान अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है, जहां एक से बढ़कर एक आविष्कार हो रहे हैं, जिनमें से कई सारे आविष्कार तो ऐसे हैं जो पूरी तरह से अविश्वसनीय हैं। अब ये तो आप जानते हैं कि दुनिया भर में रोबोट बनाने का सिलसिला पिछले कई सालों से चला आ रहा है, जहाँ लोग एक से बढ़कर एक एडवांस लेवल के रोबोट तैयार कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है, दुनिया में कुछ ऐसे शानदार रोबोट्स भी बनाए गए जिन्हें देखकर कुछ पल के लिए तो यकीन भी नहीं होता कि ये रोबोट्स हैं। जी हाँ, और आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे खूबसूरत रोबोट से रूबरू करवाने वाले हैं, जिन्हें देखकर किसी की भी आंखें बटन की तरह बाहर निकल जाएंगी। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। मार्क वन। दोस्तों सबसे पहले आप मार्क वन नाम के इस रोबोट से मुलाकात कीजिए, जिसे हांगकांग की कंपनी ने बनाकर तैयार किया। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये रोबोट बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ये जो रोबोट है ये अपने हाथ पैर और सिर को बहुत ही अच्छे तरीके से हिला सकती है, लेकिन जब ये रोबोट अपनी पलकें झपकाती है तो इसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है। आपको बता दें इस रोबोट की स्किन को सिलिकॉन से बनाया गया है, जिसके कारण ये दिखने में बिल्कुल असली लड़की की तरह लगती है। ये जो रोबोट है इसके 70% हिस्से को 3D प्रिंटिंग मशीन से बनाकर तैयार किया गया। इस रोबोट को सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये इंसानों से बात कर सकती है और इन्हें एंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। जैसे कि आप देख सकते हैं इस रोबोट को हॉलीवुड एक्ट्रेस स्कारलेट जॉनसन की शक्ल दी गई है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो ये रोबोट उनकी छोटी बहन हो। एरिका। अब आप इस खूबसूरत सी रोबोट से मिलिए जिसका नाम एरिका है, जिसे और कहीं नहीं बल्कि रोबोट्स का गढ़ कहे जाने वाले जापान की ओसाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने बनाकर तैयार किया। दोस्तों एरिका नाम की रोबोट इंसानों से बात कर सकती है, पर सबसे खास बात यह है कि इसे इंसानों के चेहरे याद रहते हैं, जिसकी वजह से जब कभी भी ये दोबारा उस इंसान से मिलती है तो उन्हें तुरंत पहचान लेती है और पुरानी बातें करना शुरू कर देती है। यानी अगर आपको कोई अच्छा साथी चाहिए तो उसके लिए एरिका सबसे बेस्ट है। ऊपर से दिखने में बड़ी खूबसूरत है, जो न सिर्फ सामने वाले की बातें सुनती है बल्कि अपनी ख्वाहिशें भी सामने वाले के सामने रखती है, क्योंकि एरिका को कार्टून देखना बहुत ज्यादा पसंद है और इस बारे में काफी बातें भी करती है, जो किसी नॉर्मल रोबोट से तो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन जाहिर से बात है इस रोबोट को जापान में तैयार किया गया तो इसका खास होना तय है। जेमिनॉइड डीके। अब जरा आप इस रोबोट पर नजर डालिए, जो दिखने में बिल्कुल असली लगता है। अब आपसे हम शर्त लगाकर कह सकते हैं कि जब आप इस रोबोट को सामने से देखेंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे कि ये रोबोट है। कई लोग तो ऐसे भी है जो इस रोबोट को असली इंसान समझते हैं और ये समझते हैं कि कोई इंसान रोबोट बनने की एक्टिंग कर रहा है। इस रोबोट को टोक्यो की कंपनी ने बनाकर तैयार किया है, जो कि बड़ी शानदार रोबोट है। इस पूरे रोबोट को कंप्यूटर की मदद से ऑपरेट किया जाता है। सिर्फ इतना नहीं, ये रोबोट अपने सामने बैठे इंसान के फेशियल एक्सप्रेशन को भी कॉपी करने में बिल्कुल माहिर है। यानी अगर आप इसके सामने बैठकर बात करेंगे तो ये आपसे ठीक वैसे ही बात करेगा जैसे आप इससे कर रहे हैं। पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस रोबोट को जिसने भी बनाया है उसने इसे अपनी शक्ल दी है। आप देख सकते हैं किस तरह इस रोबोट की और इसे बनाने वाले की शक्ल बिल्कुल मिल रही है, ठीक वैसे ही जैसे रोबोट फिल्म में रजनीकांत और उनके रोबोट चिंटी की शक्ल मिलती थी। सोफिया। दोस्तों सोफिया नाम की रोबोट दुनिया की सबसे पॉपुलर रोबोट्स में से एक है, जिसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा। इस रोबोट को हांगकांग की कंपनी हैरिसन रोबोटिक्स ने बनाकर तैयार किया है और सोफिया को आज तक के सबसे हाईएस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रोबोट माना गया है, जो कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा आविष्कार है। क्योंकि दोस्तों ये रोबोट बाकी रोबोट्स की तुलना में बहुत ही ज्यादा तेज है, जिसे इंसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए बनाया गया। और सोफिया की सबसे खास बात यह है कि अपने सामने बैठे हुए लोगों से बात करते हुए उनके चेहरे के एक्सप्रेशन को भी सीखती रहती है और उसने किस इंसान से क्या बात की है उसे ये अच्छे से याद रहता है। सोफिया की यही सीखने की क्षमता उसे दिन प्रतिदिन बेहतर बना रही है और कई सारे देशों के लोगों ने सोफिया का इंटरव्यू भी लिया है। इन सभी सवालों का सोफिया ने बहुत ही समझदारी से जवाब दिया। यही कारण है कि सोफिया अपने समय के सभी मशहूर रोबोट्स में से एक है। जिया जिया। दोस्तों जब सारी दुनिया रोबोट्स बना रही है तो भला चाइना कैसे पीछे रह सकता है। तभी तो जिस रोबोट को आप अभी देख रहे हैं इसका नाम जिया जिया है, ये चाइनीज रोबोट है। लेकिन जब तक आप इस रोबोट को बोलते हुए नहीं सुनेंगे तब तक आपको यकीन नहीं होगा कि एक रोबोट है। चाइना हमेशा से अपने काम को बेहतर बनाने में लगा रहता है, इसी वजह से उसने दुनिया के सबसे खूबसूरत रोबोट को बना दिया।
जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरी तरह लैस है, और इसका जो सिस्टम है वो बहुत ही शानदार है। ये रोबोट दिखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत है, इसे देखने के बाद लोग इसकी खूबसूरती के कायल हो जाते हैं, और कई सारे लोग तो केवल इस रोबोट के साथ सेल्फी लेने के लिए आते हैं, क्योंकि किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है जो अपने हाथों को अच्छी तरह से हिला सकती है, साथ ही अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को बदल सकती है। ऑल टोटल अगर कहा जाए तो ये रोबोट दिखने में इतनी ज्यादा असली लगती है कि अगर इसे महिलाओं की भीड़ में छोड़ देना तो इसे पहचानना ही मुश्किल है। अब दोस्तों आपका तो पता नहीं, लेकिन हमें चाइना द्वारा बनाई गई ये रोबोट बड़ी खूबसूरत लगी, जो किसी हॉलीवुड बॉलीवुड या फिर कह लीजिए किसी भी इंडस्ट्री की हीरोइन को फेल कर देगी। अब आपका दुनिया के इन खूबसूरत रोबोट्स के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइए। आपको इनमें से कौन सा रोबोट सबसे शानदार लगा उसके बारे में भी बताना ना भूलें। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दे। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।